भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मैच 7 मार्च से शुरू होगा। इस मुकाबले में रजत पाटीदार को बाहर किया जा सकता है, उनकी जगह देवदत्त पंडिकल को डेब्यू का मौका मिल सकता है। इस तरह यह सीरीज में 5वें भारतीय प्लेयर का डेब्यू होगा। यदि ऐसा होता है तो 24 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। बता दें कि मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से रजत पाटीदार, ध्रुव जरेल, सरफराज खान और आकाशदीप डेब्यू कर चुके हैं। 24 साल बाद ऐसा देखने को मिलेगा जब किसी टेस्ट सीरीज में 4 भारतीय खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिला है, मगर अब यह भी रिकॉर्ड टूट सकता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2000 में शुरू हुआ टेस्ट में ऐसा हुआ था, जब मुरली कार्तिक, वसीम जाफर, मोहम्मद कैफ और निखिल चोपड़ा को डेब्यू करने का मौका मिला था। ऐसे में धर्मशाला टेस्ट में डेब्यू करने वाले पडिकल को इस सीरीज में 5वें भारतीय के तौर पर होंगे। इस तरह 24 साल पुराना 4 प्लेयर्स के डेब्यू का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बता दें कि भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 3-1 से कब्जा जमा लिया है। अब आखिरी मैच जीतकर इंग्लैंड के बेसबॉल गेम को पूरी तरह से घुटनों में लाने की तैयारी है। भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पंडिकल को मौका मिल सकता है। वहीं दूसरा, गेंदबाजी में आकाशदीप को बाहर कर उप कप्तान जसप्रीत बुमराह को लाया जा सकता है। पिछले मैच में आकाश ने डेब्यू किया था और एक ही पारी में गेंदबाजी का मौका मिला था। इसमें उन्होंने 3 विकेट झटके थे। आपको बता दें, धर्मशाला टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 संभावतः इस प्रकार होगी, जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार या देवदत्त पडिक्कल, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान, ध्रुव जरेल, आर अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। एवं टेस्ट स्क्वाड में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जरेल, केएस भरत, देवदत्त पडिक्कल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप देखे जा सकते हैं। एमपी टाइम्स की रिपोर्ट।